बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और इसमें लगभग 799 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें से टॉप 10 की अगर बात करें तो टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। सबसे पहले टॉपर जो हैं वो हैं अमन आनंद, वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो निकिता कुमारी ने टॉप किया है, सेकेंड टॉपर हैं। और इन दोनों से ही हमारी संवाददाता यति सिंह ने बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं बीपीएससी टॉपर्स के बातचीत के कुछ अंश। कैसा महसूस कर रहे हैं अमन जी, बीपीएससी में टॉप किया है आपने? जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? घर में कैसा माहौल है आपके? काफी अच्छा लग रहा है, मतलब अमन जी एक सवाल करेंगे आपसे कि टॉपर, आपने पहला रैंक हासिल किया है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ये, तो टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मैम, टॉपर बनने के लिए कुछ नहीं करना होता है अलग से, जो चीज सब करते हैं वही हम भी करते हैं, वही सब टॉपर करते हैं। पढ़ाई के बारे में अगर बात करें अमन जी, तो पढ़ाई को लेकर आप बताएं किस तरीके से आपने तैयारी की, कैसे आपने पढ़ाई की? मैम, पढ़ाई जैसे पढ़ाई सब कर रहे थे वैसी पढ़ाई हमने भी की, वही वही किताबें हमारे पास थी, वही नोट्स हमारे पास थे। फर्क मैम यहाँ जरूर आता है कि आप स्ट्रेटजी क्या होती है, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, थोड़ा क्या थोड़ा लर्निंग कैपेसिटी सब थोड़ी अलग होती है जी, थोड़ा यहाँ थोड़ा डिफरेंस आता है, नहीं तो बाकी तो रिसोर्सेस सब सेम है। जी अमन जी, आप अपने पढ़ाई के करियर के बारे में बताइए, मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, ग्रेजुएशन क्या रहा आपका, सब्जेक्ट क्या थे आपके? जी मैम, मेरा स्कूलिंग, पिताजी वहीं दिल्ली में रहते हैं, तो पिताजी माताजी दिल्ली में रहती हैं, तो स्कूलिंग मेरा दिल्ली से हुआ है जी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मेरा बीटेक हुआ है कंप्यूटर साइंस में, वो भी दिल्ली से ही हुआ है जी अमन जी। उसके बाद फिर हम तैयारी में लग गए थे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो इसी दौरान फिर बीपीएससी की परीक्षा आई थी 66 वाली जी, तो 66 में हमारा रैंक 52 आया था जी, तो उस टाइम हमें आरडीओ का पद जी। अमन जी, आजकल के टाइम में लोग बुक छोड़ के नेट से पढ़ाई ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, आपके अकॉर्डिंग सहूलियत किस में है, सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर होती है या फिर ऑनलाइन स्टडीज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है? जल्दी कर ले, खाली पटना चाह रहे थे। हाँ हाँ जी अमन जी, मैम मेरा मानना है कि बुक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हम वैसे अब हम देख रहे हैं कि आजकल जो छोटे जो नए नए जो हैं जनरेशन के जो हैं वो ज्यादा यूट्यूब से पढ़ते हैं जी, तो मेरा मानना लेकिन ये है कि जो ज्ञान आपको बुक से मिलेगा वो ज्ञान वो यूट्यूब से उतना नहीं अच्छे से मिल पाता है, ऑनलाइन मिल पाता है, तो बुक्स आपका मेन होना चाहिए। आप असिस्ट करने के लिए आप यूट्यूब जरूर देखिए जी, लेकिन मेन आपका नॉलेज बेस किताब से ही होता है। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बीपीएससी में आपने पहला रैंक हासिल किया है अमन जी, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, आपकी हिम्मत कौन बना इस पूरे आपने जो जर्नी सफर की इतनी बड़ी, तो किसको आप श्रेय देंगे? मैम, श्रेय सबसे पहले तो भगवान को देंगे, उन्होंने उनका आशीर्वाद था, फिर माता पिता का आशीर्वाद हमेशा रहा, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया जी, पिलर बन के हमेशा थे, फिर मेरी सिस्टर है हमारी, उनके बाद जिया जी हैं, फिर हमारे दो कजन ब्रदर हैं संदीप एंड कुलदीप, हमेशा उन लोगों का हमेशा सपोर्ट साथ में खड़े रहे जी जी, ये लोग काफी मतलब दोस्त हमारे काफी हैं जी जी, बिल्कुल साथ में रहे। एक आखिरी सवाल अमन जी आपसे करेंगे, अभी जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे एक तरीके से? मैम, सजेशन यही रहेगा कि डेडिकेशन, हार्डवर्क हमेशा पूरा अपना फुल रहना चाहिए, हार्डवर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो भी आपका गोल है, चाहे गोल छोटा हो गोल बड़ा हो, लेकिन उस गोल के हिसाब से आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है जी। अमन जी, दर्श न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, दर्श न्यूज के सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको जी। निकिता जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच मैम। कैसा महसूस कर रही हैं आप, सब टॉपर बनी हैं आप बीपीएससी में? बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। घर में कैसा माहौल है आपके? घर पे तो मैं हूँ ही नहीं, तो पता नहीं है कि कैसा माहौल है, बट सब लोग बहुत खुश है जी। घर पे जब आपने बताया तो फैमिली का रिस्पांस क्या था निकिता जी, हम जानना चाहेंगे? सब लोग बहुत खुश थे, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा सेकंड रैंक आ जाएगा जी। निकिता जी, एक और सवाल आपसे करेंगे कि टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब आप खुद एक टॉपर रही, आप सेकंड रैंक आपने लाया है, टॉपर बनने के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना होता है, बस लकीली कुछ लोग टॉपर बन जाते हैं। लकीली टॉपर, कैसे पढ़ाई की आपने निकिता जी? जैसे सब लोग पढ़ते हैं, मतलब नॉर्मल, मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई थी, तो जी, मेरा मैं बहुत जानना चाहूंगी, मतलब आप अपने स्कूलिंग के बारे में बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने ग्रेजुएशन क्या किया, इस तरीके से जानकारी दीजिए आप।
स्कूलिंग मेरी डीएवी पब्लिक स्कूल जहानाबाद से हुई है, तो जी वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और मतलब एकेडमिक पे फोकस किया जाता था, जी तो जी मैं एकेडमिक में मैं बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन पटना वुमेन्स कॉलेज से किया है, जी तो वहाँ वहाँ भी अच्छा इन्वायरमेंट था और वहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती थी। तो पढ़ाई स्कूलिंग और का अगर बात करें निकिता जी, तो आज के टाइम में ज्यादातर लोग मतलब नेट से पढ़ाई करना चाहते हैं। नेट हाँ आप क्या प्रेफर करती हैं, सेल्फ स्टडी ज्यादा मेरे बेहतर है या मेरे फिर मेरे लिए ऑनलाइन? सख्त से इस सख्त सेल्फ सेल्फ स्टडी तो मैंने किया ही है, उसको तो मतलब उस चीज को तो कुछ भी रिप्लेस कर ही नहीं सकते। बट ऑनलाइन में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है और जी उनके प्रशांत अवस्थी सर हैं, तो उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है जी मेरे सक्सेस में, मेंस के आंसर राइटिंग में उन्होंने बहुत हेल्प की थी मेरी। जी आपकी हिम्मत कौन बना है निकिता जी, ये आप बताइए हिम्मत हमें। तो सब लोग हर मोमेंट पे, फैमिली तो बहुत ज्यादा ही सपोर्ट की है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ, जी और हर एक सिंगल पर्सन किसको श्रेय जिन्हें देना चाहेंगे आप, इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल कर ली है। मैं सभी को श्रेय देना चाहूँ, किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं हो पाया, सब लोग का वो कंबाइन इफर्ट था, तब जाके जी ये चीज मिला है। एक आखिरी सवाल निकिता जी हम आपसे करेंगे, यस मैम, बीपीएससी की जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि कंटिन्यूअसली 1 to 2 years तक लगे रहे, जी और अगर मतलब फर्स्ट या सेकेंड टाइम पे नहीं मिलता तो आप दूसरे अपॉर्चुनिटी मतलब दूसरे अपॉर्चुनिटीज को भी सर्च कर सकते हैं, जी मतलब बस यही एक लाइफ नहीं होती है। धन्यवाद निकिता हाँ जी। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने कि किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं बीपीएससी टॉपर्स, और जाहिर है कि जिस तरीके से इन्होंने टॉप किया है बीपीएससी 67वीं परीक्षा में, तो इतनी खुशी होना लाजमी है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।